हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा। गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूं 10 ओट्स की रेसिपीज। इतनी ओट्स की रेसिपीज आप सोच भी नहीं सकते गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्विक हैं, कोई भी बना सकता है इनको और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और सबसे अच्छी बात ये देंगी आपको अमेजिंग वेट लॉस। 10 रेसिपीज़ हैं, आप बदल बदल के खाइए इसको, डेली चेंज करके खाइए, लेकिन हाँ, पोर्शन कंट्रोल में खाना है। कैसे खाना है वो मैं आपको बताऊँगी। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओट्स के बेनिफिट्स के बारे में। ओट्स जो है वो बहुत ही अमेजिंग एक होल ग्रेन सीरियल है जो कि ग्लूटेन फ्री है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके अंदर फाइबर बहुत होता है, बीटा ग्लूकन। अगर हम 100 ग्राम्स ओट्स की बात करें तो इसमें 11 ग्राम्स फाइबर होता है। और जो ये बीटा ग्लूकन फाइबर होता है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि ये हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड करके उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करा देता है। ये डायबिटीज़ के केसेस के लिए भी बहुत अमेजिंग है क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज करता है। एकदम से हमारी बॉडी में ग्लूकोज का स्पाइक नहीं आता इसको खाकर, और धीरे धीरे जो ग्लूकोज रिलीज होता है वो एनर्जी में हमारी बॉडी में यूज होता रहता है। क्योंकि इसमें फाइबर का कंटेंट काफ़ी हाई होता है इसीलिए ये आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगने देता, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है इसलिए धीरे धीरे आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, इसलिए बहुत देर तक आपको फुल रखता है, इसीलिए वेट लॉस के लिए अमेजिंग है। फाइबर रिच है इसीलिए आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आपके गट के हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ये। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एवेंथ्रामाइड्स नाम के, जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। इसमें प्रोटीन कंटेंट भी काफ़ी हाई होता है। अगर हम 100 ग्राम्स ओट्स की बात करें तो इसमें होते हैं अराउंड 17 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स। इसमें फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है इसलिए आपकी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है ये। आयरन कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है इसलिए आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स के लिए भी काफ़ी अमेजिंग है। सिलेनियम कंटेंट काफ़ी अच्छा है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर हम हाफ कप अनकुक्ड ओट्स की बात करें या फिर हम अराउंड 50 ग्राम्स अनकुक्ड ओट्स की बात करें तो इसमें होती हैं अराउंड 200 कैलोरीज, तो आप इसको बहुत ईजीली ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट या अपने लंच में। तो देख लेते हैं कि मैं अपनी 10 ओट्स की अमेजिंग रेसिपीज को किस तरीके से बनाती हूँ, चलिए देखते हैं मेरे किचन में। सबसे पहले गैस पे एक पैन रख दिया है, उसमें ओट्स डाल रही हूँ। ओट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे हम, इसको हम स्टर करते रहेंगे और गैस यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पर रहेगी, नहीं तो ओट्स हमारे जल सकते हैं। इस तरीके से आप ओट्स को रोस्ट करके एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं और ये अराउंड 1 वीक टू 10 डेज के लिए बहुत आराम से चल जाते हैं। तो मैं एक साथ अपने ओट्स को रोस्ट करके रख लेती हूँ एयर टाइट जार में, और जब भी मुझे ओट्स की कोई भी रेसिपी बनानी होती है तो मैं बना लेती हूँ। तो अब ओट्स हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं, रोस्ट हो गए हैं और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। एक ब्लेंडर जार ले लिया है मैंने, अराउंड हाफ कप ओट्स ले लिए मैंने, रोस्टेड ओट्स हैं ये। अब यहाँ पे मैं 1 to 2 स्पून लो फैट कर्ड ले रही हूँ। ये 2 डेट्स ले लिए मैंने, सीड्स निकाल दिए हैं, इसको भी डाल देंगे जार में। एक बनाना ले लेंगे, इसको भी डाल दूंगी मैं जार में। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ वनीला एसेंस, 2-3 ड्रॉप्स। अब ये मैं एक एग डाल रही हूँ इसमें। अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जार को कर देंगे हम बंद और इसको कर देंगे हम ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। अब ये ब्लेंड हो गए हैं सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स, इसको एक बोल में हम निकाल लेते हैं और ये बिल्कुल प्रिपेयर हो गया है बैटर हमारे पैनकेक का। अब ये कंसिस्टेंसी है इसकी, आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल सकते हैं। मुझे ये कंसिस्टेंसी ठीक लग रही है इसलिए मैं इसमें मिल्क नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी सी थिक ही रहनी चाहिए कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे एक पैन को गैस पे रख दिया है मैंने, बिल्कुल मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना। अब ये जो बैटर है इसको हम स्प्रेड कर देते हैं पैन पे बहुत अच्छे से राउंड पैनकेक बनाने हैं हमने, पर बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं हमने करना, थोड़ा सा थिक रहना चाहिए हमारा पैनकेक। अब इसको फ्लिप कर देते हैं हम, और ये एक साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गया है, दूसरे साइड से देख लेते हैं, यहाँ से भी ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है, इसको कर देते हैं हम सर्व।
और इस तरीके के इस साइज के दो पैनकेक्स आप इजीली अपने ब्रेकफास्ट या फिर अपने लंच में ले सकते हैं। थोड़े से क्रैनबेरीज या फिर रेजिन्स के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे और ये एब्सोल्युटली रेडी है सर्व करने के लिए। और देखिए कितने डिलिशियस एंड यम्मी दिख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गाइस, ट्रस्ट मी। ऐसे एक या दो पैनकेक्स आप आराम से खा सकते हैं और ये आपको सुपर्ब वेट लॉस भी देंगे और अमेजिंग है आपके हेल्थ के लिए भी, क्योंकि इसके बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको आप जरूर ट्राई करिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन को गैस पे रख दिया है, उसमें हाफ कप इंस्टेंट ओट्स डाल रही हूँ मैं। फ्लेम सिम टू मीडियम रहेगी, इसको स्टर करते रहेंगे हम कंटिन्यूअसली ताकि ये जले ना। लाइट ब्राउन हो जाएंगे और इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगेगी, तब तक हमें इसे स्टर करते रहना है और तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। इस तरीके से ओट्स को रोस्ट करके और इसको पाउडर करके मैं रख लेती हूँ स्टोर करके एयर टाइट जार में अपने फ्रिज में, और जब भी मुझे ओट्स की कोई भी रेसिपी बनानी होती है तो मैं उसे अपने फ्रिज से निकालती हूँ और इंस्टेंटली मैं उसे यूज करके बना लेती हूँ। इस तरीके से ये लाइट ब्राउन हो गया और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है, ओट्स को इसमें डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर देंगे। ये ओट्स का पाउडर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, इस तरीके से मैं इसको एक एयरटाइट जार में रख देती हूँ। अब पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और जो ओट्स का मैंने पाउडर करा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, अजवाइन या कैरम सीड्स, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, ग्रीन चिली चॉप्ड, कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया के पत्ते, ये बहुत ही फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम है, इसको डाल रही हूँ इसमें। अब यहाँ पे ग्रेटेड कैरेट ले ली है मैंने थोड़ी सी, इसको डाल दूंगी इसमें। बिल्कुल ही फाइनली चॉप्ड अनियंस लिए हैं मैंने यहाँ पे, इसको डाल दूंगी थोड़ा सा। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल हो आप उसको इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि बहुत ही फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए सारी की सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर। अब इसको गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं अपने नॉर्मल पराठे के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, पानी यहाँ पे थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म है, थोड़ा गुनगुना है, उससे जो हमारा डो लगेगा, जो आटा गूंदेगा वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होगा और हमारे पराठे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसके पराठे बना लेते हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा लगा लेंगे और जैसे नॉर्मली हम अपना पराठा बेलते हैं बिल्कुल वैसे हम इसको बेल लेंगे। क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है इसीलिए इसको थोड़ा सा मुश्किल है बेलना, बट बहुत ही स्लोली अगर आप इसको करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा विद प्रैक्टिस। इसको बेल लेते हैं, अगर ये बिल्कुल गोल ना बने तो बहुत ईजिली किसी भी लिड के साथ हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये मैंने लिड ले लिया है, इसको प्रेस कर देंगे और इसके जो एजेस हैं उसको मैं निकाल दूंगी और ये बिल्कुल हमारा राउंड शेप का बिल्कुल फर्स्ट क्लास पराठा बन गया है। अब इसको तवे पे सेक लेते हैं बिल्कुल नॉर्मली जैसे किसी भी पराठे को हम सेकते हैं। एक साइड से ये थोड़ा सा कुक हो गया है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ, बिल्कुल ही थोड़ा सा, बिल्कुल हाफ टी स्पून के जितना मैंने देसी घी लगाया है एक साइड पे। अब इसको मैं फ्लिप कर देती हूँ, ये यहाँ से भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी लगा देती हूँ, इस तरफ पे भी देख लेते हैं, ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इसको दोनों साइड से अच्छे से हम कुक कर देंगे और हमारा पराठा जो है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत अच्छे से कुक हो गया है देखिए दोनों साइड से ये, अब इसको सर्व कर देते हैं हम। बिल्कुल रेडी है ये खाने के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइज, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है ये। ऐसे एक या दो पराठे आप खा सकते हैं, या तो आप दही के साथ इसको खा सकते हो या चटनी के साथ खा सकते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या फिर लंच में भी ले सकते हैं और ये आपको सुपर वेट लॉस तो देगा ही, साथ में बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस भी लगता है और बहुत देर तक आपको फुल रखता है। अगर आप ऐसे एक या दो पराठे खा लेते हैं तो आप बहुत देर तक फुल रहते हैं और आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगती, क्योंकि ये हाई इन फाइबर होता है एंड हाई इन प्रोटीन भी है ये। सबसे पहले अपने ओट्स को ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम। एक पैन को मैंने गैस पर रख दिया है, फ्लेम यहां पे लो टू मीडियम रहेगी। हाफ कप ओट्स ले रही हूं, इंस्टेंट ओट्स हैं, किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं। इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, अराउंड 5 मिनट्स के लिए हम इसको रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब ये थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे इसमें से खुशबू आने लगेगी। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ 1 कप वाटर, हाफ कप मिल्क ले रही हूँ स्किम मिल्क, हाफ एप्पल ले रही हूँ, यहाँ पे पील नहीं किया है एप्पल को मैंने,
दो या तीन डेट्स को मैंने डीसीड करके चॉप कर लिया है। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसको लिड से हम कवर कर देंगे और सिम टू मीडियम फ्लेम पर अराउंड 5 मिनट्स तक कुक होने देंगे। अब लिड हटा रही हूँ मैं। ये बॉयल हो गए हमारे ओट्स, इसको मिक्स कर देंगे एंड दैट्स इट, इट्स रेडी। इट इज सो सो सिंपल। कैन यू जस्ट इमेजिन कि सिर्फ 5 मिनट लगे एंड हमारे ओट्स आर रेडी। इससे सिंपल ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो नहीं सकता गाइज। इसको सर्व कर देते हैं हम। एक बोल आप इसको ले सकते हैं या तो अपने ब्रेकफास्ट में या फिर अपने लंच में आप इसको ले सकते हैं। डिनर में इसको अवॉइड करिए। दे आर सुपर सुपर यम्मी, ट्रस्ट मी। इसको हम एप्पल से गार्निश कर देंगे एंड दे आर सुपर अमेजिंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर वेट लॉस। और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आप इसको जरूर ट्राई करिए। इट्स लाइक अ डिजर्ट एंड ये आपको वेट लॉस भी देगा। अब हम बना रहे हैं ओट्स इडली। उसके लिए एक पैन को मैंने गैस पर रख दिया है। हाफ कप यहाँ पे ओट्स ले रही हूँ मैं, इंस्टेंट ओट्स हैं ये। इसको अच्छे से हम भून लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे और जब इसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तब तक हम इसको भूनेंगे। बिल्कुल सिम फ्लेम पर हमें इसे भूनना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब इसको एक प्लेट में हम रख देंगे साइड पर ठंडा होने के लिए एंड इसको ग्राइंड कर देंगे उसके बाद हम। अब वही पैन मैंने दोबारा से ले लिया है, उसमें मैं एक स्पून देसी घी ले रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ एसाफेटिडा हींग थोड़ी सी, थोड़े से मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, ग्रेटेड जिंजर ले लिया है मैंने अदरक, यहाँ पे चना दाल ले ली है वॉश करके थोड़ी सी उड़द दाल ले ली है मैंने यहाँ पे, थोड़ी सी हल्दी ले रही हूँ, टर्मरिक। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे थोड़ा सा ब्राउन होने तक। भी कुक हो गई है। अब यहाँ पे मैं ग्रेटेड कैरेट डाल रही हूँ, इसको भी सॉटे कर लेंगे हम। थोड़ा सा कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा सॉल्ट डाल रही हूँ यहाँ पे, इसको मिक्स कर देंगे हम अच्छे से। अब मैं यहाँ पे हाफ कप सूजी ले रही हूँ, इसको भी बिल्कुल लो फ्लेम पर हम भून लेंगे। थोड़ी सी ये ब्राउन हो जाएगी एंड थोड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसमें से तब तक। अब ये जो ओट्स हमने भून के ग्राइंड करे थे इसको भी मैं पैन में डाल दूंगी और इन सब चीजों को एक साथ हम मिक्स कर देंगे एंड थोड़ा सा और हम इसको रोस्ट कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गई हैं सारी चीजें, इसको थोड़ा सा ठंडा करके हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें मैं हाफ कप दही ले रही हूं, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। थोड़ा पानी डाल रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को हम और थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे अराउंड 10 to 15 मिनट्स, ताकि सूजी और ओट्स हमारे फूल जाएं। अब इसमें थोड़ा और पानी डाल के हम कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम इनो डाल देंगे ताकि इडली हमारी बहुत अच्छे से फूले और सॉफ्ट बने। इसको मिक्स कर देंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे हम, बहुत लाइटली मिक्स करेंगे। अपना इडली मोल्ड जो है हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल या घी के साथ एंड ये जो बैटर है इसमें पोर कर देंगे हम। इसको स्टीमर में हम रख देंगे और अराउंड 10 to 15 मिनट्स तक हम इसको लिड लगाकर कुक होने देंगे। 10-15 मिनट्स हो गए हैं, इडली हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। इसको हम मोल्ड में से निकाल देंगे स्पून या नाइफ की हेल्प से। हमारी ओट्स इडली एब्सोल्युटली रेडी है सर्व करने के लिए। इसको आप मेरी होममेड चटनी के साथ ले सकते हैं या फिर आप सांभर के साथ ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में या लंच में। ये बहुत ही एक डिफरेंट डिश है एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुपर यमी लगने वाली है आपको। इसको ज़रूर ट्राई करिए एंड ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, बहुत ही फिलिंग है एंड वेट लॉस के लिए बहुत ही एक्सीलेंट है एंड बहुत ही यूनिक डिश है। आपको बहुत पसंद आएंगे एंड वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है। एक ब्लेंडर जार ले लेते हैं, उसमें मैं 1/4 कप रोस्टेड ओट्स डाल रही हूँ।
दो डेट्स ले लिए मैंने सीडलेस। अब यहाँ पे एक बनाना ले लिया है मैंने चॉप्ड। 5 to 6 आमंड्स ले रही हूँ। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, अराउंड 1 ग्लास, और इसको कर देंगे हम ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। ये स्मूदी जो है वो PCOS PCOD वालों के लिए सुपर्ब है, क्योंकि इसमें हम मिल्क का यूज नहीं कर रहे, तो वो ये बहुत आराम से ले सकते हैं। और ये रेडी है हमारी स्मूदी। इसको हम सर्व कर देते हैं एक ग्लास में। देख रहे हैं आप कितनी क्रीमी यम्मी सी स्मूदी बनी है, एकदम थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, और ये पीने में बहुत ही ज्यादा डिलिशियस लगती है। इसके ऊपर थोड़े से मिक्स सीड्स डाल रही हूँ मैं। दिस इज अमेजिंग गाइज, आप इसको जरूर ट्राई करिए, बहुत ही डिलिशियस एंड बहुत ही यम्मी है, और वेट लॉस के लिए सुपर्ब है ये। आप इसको ब्रेकफास्ट या फिर लंच में ले सकते हैं, और ये थायराइड PCOS एंड डायबिटीज के केस के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसको कोई भी ले सकता है और ये बहुत ही ज्यादा क्विकली बनके रेडी हो जाती है। आप इसको रात को ही बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और अपने साथ इजीली कैरी भी कर सकते हैं। सबसे पहले कुकर को गैस पे रख दिया है और उसमें मैं डाल दूंगी 1 स्पून देसी घी। भाई खिचड़ी का मजा तो देसी घी के साथ ही आता है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग यानी कि एसाफेटिडा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा चॉप्ड जिंजर, ग्रीन चिलीज चॉप, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, सब चीजों को हम थोड़ा सा सॉटे कर देंगे। अब इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड अनियन, इसको भी थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे मसाले के साथ, थोड़ा सा सॉटे कर देंगे। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसके अंदर डाल देंगे एक चॉप टमाटो, ये चॉप्ड कैरेट ले रही हूँ, थोड़े से पीस ले रही हूँ मटर, और थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे इसमें। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो घर पे आप वो डाल सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही वेजिटेबल्स डालनी है। अब इनको थोड़ा सा सॉटे कर देंगे हम अच्छे से। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 कप मूंग की दाल, यानी येलो वाली जो मूंग की धुली हुई दाल होती है, 1/4 कप वो डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको 20 मिनट्स तक भिगो के रख दिया था मैंने। अब इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, थोड़ा सॉटे कर लेंगे। अगर आपके पास कुकिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता ना तो इसको बनाइए, बहुत ज्यादा क्विकली बन जाती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप इंस्टेंट ओट्स। जितनी दाल डाली थी बस उसके डबल हमें ओट्स डालने हैं यहाँ पर। इसको भी थोड़ा सा सॉटे कर देंगे हम। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी 2 कप पानी, यानी कि जितने ओट्स डाले हैं उसका 4 टाइम्स पानी हमें इसमें डालना है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब कुकर की लिड लगा देंगे और इसको कर देंगे हम बंद, और इसको 2 विसल्स आने तक हम कुक होने देंगे। अब 2 विसल्स आ गई है और इसकी स्टीम बिल्कुल निकल गई है। अब देख लेते हैं क्या हाल है हमारी ओट्स खिचड़ी का। खिचड़ी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है, देखिए कितनी डिलिशियस लग रही है, बहुत यम्मी है। इसमें डाल देंगे हम अपने धनिया के पत्ते यानी कोरिएंडर लीव्स और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब इसको मिक्स कर देंगे, ये इसका टेस्ट और भी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है हमारी खिचड़ी, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही यम्मी सी। तो अब राइस खिचड़ी खाने की बजाय आप ये ओट्स खिचड़ी खाइए, ये टेस्ट में और भी ज्यादा यम्मी है और वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। इसको आप ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में ले सकते हैं और ये आपको जबरदस्त वेट लॉस देगी और खाने में भी बहुत ही ज्यादा डिलिशियस है। स्मूदी बनाने के लिए ब्लेंडर जार ले रही हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप रोस्टेड ओट्स। इसमें डाल दूंगी 2 डेट्स, ये सीडलेस हैं। अब एक एप्पल ले लिया है मैंने, इसको पील नहीं किया है, इसकी सीड्स निकाल ली और इसको स्लाइसेस में कट कर दिया। इसको भी डाल दूंगी ब्लेंडर जार में। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 स्पून पीनट बटर, ये अनस्वीटेंड पीनट बटर है। अगर आपके पास ये घर पे अवेलेबल ना हो तो आप इसमें अराउंड 10 to 15 रोस्टेड पीनट्स भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा क्रीमी एंड यमी बन जाता है। अब इसमें 1 ग्लास के अराउंड मैं पानी डाल दूंगी। अब ब्लेंडर जार को बंद कर देते हैं और इसको कर देते हैं ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। इतना सिंपल, इतना ईजी, इतना क्विक ब्रेकफास्ट एंड लंच ऑप्शन मैं आपको ये दे रही हूँ और ये बहुत ही ज्यादा
टेस्टी लगता है, ट्रस्ट मी। देखिए कितना क्रीमी एंड यमी बना है, इतनी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी और बहुत ही अमेजिंग है। एंड सबसे ज़्यादा स्पेशल बात इसकी ये है कि ये वेट लॉस के लिए सुपर्ब है। अब यहाँ पे रोस्टेड पीनट्स डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर थोड़े से, इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करो, ये बहुत ही ज़्यादा यमी है और मेरा फेवरेट है। अगर आपको पीनट्स पसंद है तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपको सुपर वेट लॉस देगा। आप इसको ब्रेकफास्ट या लंच में ले सकते हैं और इसको भी PCOS, डायबिटीज, थायराइड वाले या कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। मिक्सिंग बोल ले लिया है मैंने, उसमें मैं ये ओट्स का पाउडर डाल रही हूँ, उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, क्यूमिन सीड पाउडर, ग्रीन चिली चॉप्ड और ये बिल्कुल फाइनली चॉप्ड अनियंस ले रही हूँ मैं थोड़े से, थोड़ा सा कैप्सिकम चॉप, बिल्कुल फाइन चॉप किया है इसको, और ये ग्रेटेड कैरेट ले रही हूँ। आप इसमें कोई भी अपनी पसंद की वेजीज डाल सकते हैं, थोड़ा सा चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया के पत्ते। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं और जैसे हम चीले के लिए बैटर बनाते हैं बिल्कुल वैसे इसकी कंसिस्टेंसी हम कर लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें चीले के लिए। बिल्कुल रेडी है हमारा बैटर। अब यहाँ पे एक पैन को मैंने गैस पे रख दिया है और बैटर को मैं पैन पे डाल रही हूँ। इसको स्प्रेड कर देंगे हम, बहुत बड़ा साइज का हम इसे नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये फ्लिप नहीं होगा। अब ये एक साइड से कुक हो गया है, इसको मैं फ्लिप कर देती हूँ दूसरे साइड पे। दूसरे साइड से भी ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है, रेडी है हमारा चीला बिल्कुल सर्व करने के लिए। ऐसे एक या दो चीले आप आराम से खा सकते हैं ब्रेकफास्ट या फिर लंच में। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा देसी घी लगाऊंगी, इस स्टेप को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली टेस्टी लगता है, बहुत ही फिलिंग होता है। इसको चटनी के साथ मैं सर्व कर रही हूँ, आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं या फिर चटनी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिए गाइज, और ये वेट लॉस के लिए बहुत ही सुपर्ब है। वेजी सूप के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन को गैस पे रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। एक छोटा सा चम्मच मैं यहाँ पे ऑयल का ले रही हूँ, उसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक चम्मच गार्लिक, एक चम्मच जिंजर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। दोनों को अच्छे से सौते कर लेंगे हम थोड़ा सा, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हाफ कैरेट, थोड़े से मटर, एक टमाटर, थोड़ी सी कॉर्न डाल रही हूँ और हाफ शिमला मिर्च। इन सबको मिक्स कर देंगे, अच्छे से सौते कर देंगे, थोड़ा सा हम इनको भून लेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच फ्लैक्स सीड पाउडर। गाइज ये बहुत अच्छे होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारी बॉडी के लिए वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑरिगैनो सीजनिंग 1/2 चम्मच, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। 1 बड़ा चम्मच ओट्स मैंने थोड़े से पानी में भिगो के रखा था 1/2 घंटा पहले, इसको सूप में ऐड कर देंगे हम। इससे हमारा सूप बहुत थिक बनेगा, हमें कोई भी कॉर्न स्टार्च डालने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद। यहाँ पे मैं 1 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ इसमें, 1 और ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं डाला है मैंने इसमें। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे हम और इसको हम ढक देंगे बॉयल आने तक। पैन को लिड लगा देते हैं और इसको रख देते हैं बॉयल आने तक। अब ये बॉयल हो चुका है, देखिए कितने अच्छे से बॉयल हो रहा है, सुपर यम्मी बना है गाइज ये। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही फिलिंग है ये सूप, एकदम फाइबर रिच, इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं इसमें। अब थोड़ा सा इसमें मैं ऊपर से धनिया डाल दूंगी, उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। बस अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर सकते हैं। It's absolutely ready to serve, guys. So thick and yummy. And it's super rich in fiber. बहुत सारी vegetables हैं इसमें and it's super yummy. आप इसके ऊपर से थोड़ा सा black pepper डाल सकते हैं और यहाँ chili flakes डाल रही हूँ मैं, इससे इसका taste और भी ज़्यादा enhance हो जाता है. Let's have it. It's ready to be served. ओवरनाइट बनाना ओट्स बना रहे हैं हम। मैंने यहाँ पे एक जार ले लिया है, उसमें मैंने 1/2 कप ओट्स डाल रही हूँ, चिया सीड्स हैं ये, इसको भी डाल देंगे जार में। 1 स्पून हनी डाल देंगे इसमें, ऑर्गेनिक हनी है ये। 1/2 कप मिल्क ले रही हूँ, स्किम मिल्क है ये, PCOD PCOS वाले यहाँ पे आमंड मिल्क यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और जार को क्लोज करके हम फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग देख लेते हैं इसको, देखिए
ये अब पूरी तरीके से सोक्ड हो चुके हैं मिल्क में, सुपर यमी। अब ये बनाना स्लाइसेस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एंड दैट्स इट, रेडी है हमारा ब्रेकफास्ट। इसके ऊपर थोड़े से आमंड्स डाल देंगे हम। आप इसको रात को बनाकर रखिए, एंड जब आप सुबह जल्दी में हैं तो आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं, या 5 मिनट्स में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये सुपर डुपर डिलिशियस है, इसको जरूर ट्राई करिए आप। ये बहुत ही क्विक एंड इजी ऑप्शन है, एंड नो कुकिंग ऑप्शन, लुक एट इट। तो गाइज ये थी हमारी 10 रेसिपीज ओट्स की। आप इसको बदल बदल कर खाइए, रोज एक अलग अलग ओट्स की रेसिपीज, ये आपको अमेजिंग वेट लॉस देगी। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो इसको लाइक जरूर करेगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करेगा, क्योंकि उनको भी पता लगना चाहिए कि इतनी सारी रेसिपीज हैं, वराइटीज हैं जो हम ओट से बना सकते हैं और उससे मिलेगा हमें अमेजिंग वेट लॉस। तो गाइज अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां मुझे जरूर फॉलो करिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा तो फिर किस बात की देरी है, फटाफट से करिए सब्सक्राइब। इतनी अमेजिंग वैरायटी और इतने अमेजिंग रेसिपीज फॉर वेट लॉस और कहां मिलेंगी आपको, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे। तो फटाफट से करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलती हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आऊंगी बहुत अमेजिंग से कोई डाइट प्लान या फिर हेल्थ से रिलेटेड टेस्टी टेस्टी सी रेसिपीज। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस, बाय फॉर नाउ।